तो हे गैस वेलकम बैक टू द चैनल आज हम लोग फिर से कहने वाले हैं पोके मॉर्निंग नाइट विथ एल डी गॉड ये इट्स नॉट एल डी गर्स इट्स एल डी गॉड बिकॉज वेन एल डी गर्स एंटर्स गॉड मोड इट्स कॉल्ड एल डी गॉड बहुत ही मज़ा आने वाला है आगे वीडियो में सो बने रहना अंत तक लेट्स बिगिन द गेम प्ले यहाँ पर मैं थोड़ा बहुत फार्म करने लगता हूँ बिकॉज एल डी कॉर्ज को भी लेवल अप चाहिए होता है ताकि वो अपने टीम मेट्स को हील कर पाए होपफुली so, जारशन चला जाता है एंड सक्सेसफुली स्कोर कर लेता है तब तक मुझे भी फार्म करने का मौका मिल जाता है सामने वाली टीम अच्छा खासा डोमिनेशन कर रही होती है बट एंड यहाँ पे जारशियन का एच पी बहुत ज़्यादा कम हो जाता है बट येस आई वॉज नॉट दैट मच केपेबल ऑफ हीलिंग जारशियन सो so, मैं उसे नहीं बचा पाता हूँ आई ट्राइड माई बेस्ट टू टेक द फार्म एंड अटैक पिकच यू बट लेवल तो है ही नहीं अभी मेरे पास तो अभी तो कुछ हो भी नहीं सकता मैं ग्रास में चेक करने लगता हूँ कोई है तो नहीं बट कोई नहीं रहता फिर स्क्वाटल भी आज जाता है एंड यहाँ पर मैं थोड़ी बहुत बीज लेके किसी तरह से एल डी गॉस बन जाता हूँ जशन को हील करने का मेरा पूरा वो था बट वो दूर चला गया था पोलेंड पफ से आई गिव द पोल पफ टू जाशियन जो कि स्क्वाडल पे भी लग गया तो वो भी हील हो गया था मैं डिफेंडिंग अटैकिंग सपोर्टिंग तीनों चीज़ें साथ में कर रहा था एंड ये एलडीगॉज इज केपेबल ऑफ डूइंग ऑल दीज थ्री थिंग्स बस हाँ थोड़ा बहुत अगर तीन चार लोग साथ में अटैक करते हैं तो एल्डीगॉस एज अ सपोर्टर कुछ नहीं कर पाएगी बिकॉज उसके टीम मेट्स को भी इतना हील नहीं मिल पाएगा सारे को साथ में

और मेरा गोल गेटर वेस्ट हो जाता है देन फिर मैं रिवाइव हो जाता हूँ एंड नीचे की तरफ आने लगता हूँ, बट देखा जाता है कि ऊपर की तरफ पूरा डोमिनेशन चल रहा था बस 17 का गोल बचा हुआ था जरूर मेरे पीछे लग जाता है बट यस आई वाज हीलिंग माय सेल्फ अ लॉट सो उसे हम मारने की पूरी कोशिश करते हैं एंड यस yes, वो बच के भाग ही जाता है बट लास्ट में मेरा टैग भी लग जाता है ओ oh, नाइस nice, अभी मैंने देखा बिकॉज इट्स अ रीप्ले मुझे भी अच्छे से नहीं याद है कि अच्छे से क्या क्या हुआ था बिकॉज उस टाइम पे हार्ट बीट इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है ज़्यादातर लोग अटैक कर देते हैं आपके ऊपर uh, ज़रा वरा को बहुत देर हो चुकी थी मेरे तो मैं तो सोचा स्कोर कर लेते हैं बट फिर नहीं कर पाए चार हजार ने थोड़ी बहुत हेल्प कर दी मुझे जरोरा को बट मैं पीछे हट गया था फिर एंड में मैंने चार हजार को थोड़ा हील दिया फिर चार हजार हील करने के लिए बेस में चला गया जाशिन यहाँ पर हमेशा ग्रास में छुप के इंतज़ार करता है एम्बुश करने की कोशिश करता है बट नहीं कर पाता है और आप एंड में देखना कि जाशियन ने कितने किल्स किए हैं कितने सपोर्ट किए हैं और कितना गोल किया है मीनस ने सोचा कि स्कोर कर लेगा बट तभी गेंगार आ जाता है एंड यस पिक आचू भी मर जाता है जरोहरा को मारने की कोशिश चल ही रही होती है बट गेंगार तो भाग जाता है मुझे स्कोर करने का मौका नहीं मिलता है क्योंकि मैंने सोचा था कि ज़रोरा गेंगार के पीछे लग जाएगा और तब तक मैं थर्टी का गोल कर दूंगा जब तक मैं वापस जाता हूँ तो देखता हूँ कि गोल खत्म हो गया है फार्म सब लोग कर रहे होते हैं तभी सामने वाली टीम अटैक करना शुरू कर देती है जिसकी वजह से मुझे भी थोड़ा आगे जाकर हेल्प करनी पड़ती है थोड़ी बहुत एचपी तो कम हो ही गई थी उसकी बट फिर भी वो बच के भाग गया ज़रा और इस बार बच के भाग गया उसकी किस्मत अच्छी थी बट यस मुझे भी हील करने जाना पड़ा बिकॉज मेरा अटैक स्कूल डाउन पे थे फिर उसके बाद मैंने अपने आप को थोड़ा बहुत हील किया उसके बाद फिर टीम को हील करते हुए हम लोग चलने लगे उनकी तरफ अटैक करने बट वो लोग अपने बेस के पास थे ट्राइड बेस्ट बट नहीं बच पाया वो पता नहीं क्या सोच कर वीना ने अपना यूनाइट मूव चला दिया था मैंने भी चला दिया ये सोच कर कि हम बहुत कुछ कर सकते हैं एंड यस एलडी गॉस एंटर्स द गॉड मोड एट दिस टाइम जस्ट इट यहाँ पर मार दिया जर हो रहा फोर कर दिया एंड एल डी रियली का पूरा नल्लागिरी कर रहा था कुछ भी नहीं किया इसने पूरे मैच भर में बस पिटता रहा पिटता रहा अब यहाँ पर उनकी पूरी टीम ने यूनाइट मूव वगैरह चला दिया तो मैं ऑब्वियसली नहीं बच पाता एंड इसी तरह ये वाला गोल्ड डिस्ट्रॉय हो गया उसके बाद वी थॉट कि टॉप पाथ पे जाना चाहिए गेंगार भी फार्म करके टॉप पाथ के ऊपर बढ़ जाता है सामने वाली टीम ने नीचे वाला रजी ले लिया था तो हम लोग सोचते हैं हम लोग रजी ले, ले लेते हैं हम लोग पीछे क्यों रहे तो यस गेंगार चौरसर और में आ जाते हैं टॉप पाथ पे एंड इसी तरह से हम लोग लेने लगते हैं रजी लेकी पिकाचू उनका आ रहा था स्टील करने के लिए बट हम लोग चार लोग थे इस वजह से वो नहीं कर पाया था जैशियन थोड़ी बहुत हेल्प कर देता है एट दैट टाइम आई वॉज नॉट डिसअपॉइंटेड विथ जाशियन बट एंड में जाके मैंने जब देखा कि उसने कितने कम गोल किए हैं कितना कम किल्स किए हैं देन आई वॉज हाईली डिसंटेड यहाँ पर मैंने अपना यूनाइट मूव चलाया बट येस आई वॉज डेड गेंगार एंटर्स गॉड मोड एट दिस टाइम मुझे लगा चांदलोर उसे मार देगा बट येस yes, उसके पास इसी तरह से स्किल्स करके फिफ्टी पॉइंट्स आ गए थे एंड उसने गोल्ड स्ट्राइक कर दिया और इसी चीज़ की वजह से हम लोग लीड में आ चुके थे फिर गेंगार बेस की तरफ बढ़ने लगता है एंड मैं उस टाइम पर थोड़ा बहुत फार्म कर लेता हूँ बिकॉज ट्वेल्थ लेवल तक टा वो नहीं रहता है ऑप्शन चलो ट्वेल्व लेवल हो चुका था लेफ्ट वाली साइड ज़्यादा लीड में थी बिकॉज वो लोग ही अभी जीत रहे थे उन लोगों ने ज़्यादा गोल कर दिया था ऊपर वाले साइड स्टार्टिंग में ही फिर मैं नीचे पहुँचने लगता हूँ क्योंकि मेरे टीम को हेल्प चाहिए थी गेंगार को मैं दे देता हूँ हील फिर गेंगार बहुत ही ज़्यादा जोश में जाता है बैट मार के आ जाता है एंड आई वॉज ट्राइंग टू डिफेंड माई सेल्फ तभी चार आने लगता है तो मुझे भी जोश चढ़ जाता है एंड चैंडलर का डैमेज बहुत ज़्यादा आ रहा था जिसकी वजह से मैं मर जाता हूँ फिर से जैशन ट्राई करता है एम्बुश करने की उसकी सबसे बड़ी गलती यही रहती है तभी सब लोग आ जाते हैं एंड यस yes, जैशिन को तो मरना ही है मेरा तो मन कर रहा था जाशिन को रिपोर्ट कर दूं बट कभी कभी कुछ प्रॉब्लम्स की वजह से प्लेयर्स नहीं खेल पाते अच्छे से एंड आई अंडरस्टैंड दैट मेरा यूनाइट मूव आ चुका था एंड मैं पूरा रेडी था रकवाजा स्टील करने के लिए तभी मैं देखता हूँ कि ज़रा और आ रहा है मैं थोड़ा सा पीछे हो जाता हूँ तभी मुझे पता चलता है कि ज़रा और जाने वाला है अभी स्कोर करने के लिए हैड वो जाने लगता है स्कोर करने के लिए तभी मैं इस साइड से शॉर्ट कट लेके जाता हूँ उसे रोकने के लिए बट हमारा डिफेंडर पहले से ही वाह होता है तो उसे देख के जरोरा भाग जाता है <laughs> मैं जंप पैड का कर यूज़ करके जरोरा के पास आता हूँ बट फिर मैं फालतू की फाइट नहीं लेता बिकॉज कभी कभी हमारे पोपट हो जाता है जाशियन क्या कर रहा है फिर से पिट गया जाशियन रकवासा की एच पी बहुत कम हो चुकी थी मैं पोलेंड पफ से थोड़ा बहुत हील करना चाहता था बट मेरी अच्छी पहले से फुल थी फिर मैं मुफ चला के जाता हूँ और देखता हूँ कि स्टील हो गया है बट वो मैंने नहीं किया है मैंने बस थोड़ा बहुत डैमेज दे दिया था एंड में एंड ब्लास्ट चॉइस ने लास्ट ले लिया आई थॉट कि यहाँ पे बहुत सारे लोग होंगे गोल रोकने के लिए बट फिर पता चला कि कोई है ही नहीं आराम से स्कोर हो गया मेरा इस जगह पे सेवेंटी एट का फिर मुझे लगा कि हम लोग अभी फिर से हारने की नौबत आ सकती है तो मैं और फार्म करने लगता हूँ ताकि और स्कोर हो जाए तभी तो डी डाई मेरी तरफ़ बढ़ने लगता है मुझे ऐसा फील हुआ था कि कोई अटैक कर रहा है बट मैं देख नहीं पाया था फिर लास्टली पता चलता है कि डसी डाई है यहाँ पर मैं शॉर्टकट लेके फिर से बेस की तरफ़ जाने लगता हूँ ताकि मुझे गोल करने का ऑप्शन मिल सके अब मैं सोचता हूँ कि नीचे जाना चाहिए या फिर ऊपर नीचे डसी डाई आ सकता था इसलिए मैंने ना पफ चलाया गोल गेटर चला के आराम से स्कोर कर दिया फिर यूनाइट मूव चला के मैं सोचा कि क्या ही भागना इससे बढ़िया तो इससे फाइट ही ले लेते हैं भले ही मर क्यों ना जाए भागना तो है ही बिकॉज ही इज अटैकर प्लस वो अपने बेस में था सो so, यस yes, इस तरह से हम लोग जीत चुके हैं थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग